ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे मथुरा की, जहां प्रेमिका के साथ फरार हुए युवक की हुई मौत। साथ ही बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। और अंत में बात करेंगे रोहतास की, जहां बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी पर भाजपा अध्यक्ष ने कह डाली बड़ी बात। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ इंडिया के मापदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए कॉलेज को अनुमति दी गई है, ऐसा उदाहरण पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ना तो भवन है, ना प्रयोगशालाएं, ना लाइब्रेरी, ना लैब और ना अस्पताल, फिर भी चल रहे कॉलेज केवल कागजों में। नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज उन्हें ही दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है और बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहे। पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रवि सक्सेना, विवेक त्रिपाठी, अपराजिता पांडे आदि उपस्थित रहे। नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय मेडिकल काउंसिल अपनी समिति बनाती है। समिति ये जाके देखती है कि अगर 40 बच्चों सीट मांगी है कॉलेज में तो उसमें कितने स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए और कितने स्क्वायर फीट का छात्रावास होना चाहिए। क्रमशः जब सीटें बढ़ती हैं तो अगर एक विद्यार्थी अतिरिक्त एक सीट बढ़ती है तो 3 बिस्तर का हॉस्पिटल अतिरिक्त उसके लिए तैयार होता है, होना चाहिए। आप इस तरह से नियमों को तार तार करते हुए मध्य प्रदेश में सीबीआई ने सुटेबल लिस्ट जारी की थी और इनको मोबाइल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र के गांव बंदी के युवक की मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। युवक गांव की रहने वाली युवती को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस उसे दतिया से बरामद कर मथुरा ला रही थी। इसी दौरान रास्ते में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसका ग्वालियर में ही पोस्टमार्टम कराया और बुधवार की देर रात शव को लेकर मथुरा पहुंची। आक्रोशित परिजनों को समझाने में जुटी पुलिस को देर रात तक सफलता मिली। बता दें कि महावन थाना प्रभारी आशा चौधरी ने बताया कि परिजनों को समझाया गया है, उनका भरोसा दिया गया है, उनके मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो सही होगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया तुम्हारा? ये मेरा नाम पंकज कुमार है। कौन सा गाँव है ये? बंदी। क्या घटना हुई है यहाँ पे? भैया घटना ये हुई थी की लड़का लड़की का विवाद है जी। लड़का लड़की ये गए हुए थे निकल के, ये दतिया रेलवे स्टेशन पे रात के 2 बजे हमने मतलब बरामद किए थे दोनों। किसने बरामद किए? मैंने और 2 बलदेव थाना के 2 एसआई थे। एक उन्हें महिला कांस्टेबल थी, महिला का नाम था आरती था जी। ठीक है, अच्छा था। मैंने दोनों दरोगा के सामने और उस लड़की आरती के सामने अपना भाई बिल्कुल स्वस्थ हालत में उनके, ठीक है भैया, पुलिस के हवाले किया था। मेरा भाई मर गया। क्यों? क्या नाम? क्या नाम है? पंकज कुमार। ये जो मरा पड़ा है मेरा छोटा भाई मोनू है, मोनू परियार। तो ये घटना कहाँ के? एमपी की है। एमपी की। अभी क्या मामला है? अभी ये मामला है कि हम लोग चाहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम दोबारा हो जी। ठीक है, या तो ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये बच्चा जहर से मरा है जी। ये पूरे सारे पुलिस वाले अपने अपने सिग्नेचर करके लिख के मुझे दें, ठीक है। और जिस परिवार का ये लड़का मरा हुआ है उस परिवार में उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाए। सही बात है ना भैया? हमारे घर को कर्जा कैसे चलेगा भैया? बोलिए। हमें एक भैया बागर में सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। जो पुलिस वालों ने मारा है उनके खिलाफ FIR प्लस उन्हें हमारे हवाले चाहिए दोनों, और मुझे दोबारा पोस्टमार्टम चाहिए और जितने भी ये पुलिस वाले हैं सारे के हस्ताक्षर समेत मुझे ये लिख के चाहिए कि ये लड़का जैसे। अधिकारी भी आए हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी अभी तक आए नहीं है, सीओ साहब आए हैं, वो मेरे को एकांत में बुला रहे हैं। सीओ साहब भी तो अधिकारी हैं, बात करके देखिए। एकांत में जाएंगे वो फिर दबाव बनाएंगे, इससे कुछ हासिल नहीं है। जो बात होगी पूरे मेरे गांव के सामने होगी। ये गांव कोई तमाशा देखने के लिए नहीं खड़ा है, ये भाई बंधु के नाते खड़ा है क्योंकि ये गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई झूठ छुपाव नहीं है, जो बात होगी सबके सामने होगी, कोई बाहर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा।
पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घाघर जानी सुराई डी कच्ची सड़क के किनारे पेड़ में फंदे से लटका एक युवक का शव पुलिस ने गुरुवार बरामद किया है। मृतक की पहचान गोविंदपुर निवासी छोटू साहा के रूप में हुई है। मृतक का भाई मुन्ना साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटू साहा अहले सुबह लगभग 3 बजे घर से निकला था। इसको लेकर काफी देर तक घर न लौटने पर उसकी खोजबीन पाकुड़ रेलवे स्टेशन व आसपास के रिश्तेदारों के यहाँ की जा रही थी। मृतक गैराज में मैकेनिक का काम करता था। इधर पेड़ में युवक का लटका हुआ शव देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने में दी। सूचना मिलते ही हिरणपुर थाना SI अंशु उपाध्याय SI मुकेश कुमार ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को फंदे से उतार कर मामले की तहकीकात की। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश के बिहार में शराबबंदी हुई फेल। बता दें NDA गठबंधन में BJP की ओर से उठे सवाल। BJP के शिवसागर अध्यक्ष का कहना है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। चुनावी माहौल को जानने के लिए सी न्यूज भारत के संवाददाता पंकज कुमार ने शिवसागर में बनाए गए BJP कार्यालय पहुंचे तो BJP अध्यक्ष ने खोल दी NDA की पोल। बता दें कि कहा भाजपा सरकार में महंगाई पूरी तरीके से बढ़ गई है, लेकिन इस बार भी चुनाव जीतेंगे तो इस बार भी पहले की अपेक्षा ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, अभी मैं ससराम क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के शिवसागर में उपस्थित हूँ, और यह क्षेत्र है जो चेनारी विधानसभा में आता है। और मैं इस रूट से गुजर रहे थे, तो जैसे ही मैं गुजर रहा था तो यहाँ पर BJP कार्यालय दिखाई दिया हमको, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। उन लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इस बार किनकी सरकार बनेगी और इन लोगों का क्या मत रहा है। और हमारे साथ शिवसागर पंचायत के BJP अध्यक्ष हैं, मैं उनसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर कार्य यहाँ पर सरकार BJP का 5-10 साल रही है और 10 साल में क्या विकास हुआ है, इसी चीज़ के लेकर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका पहले? मेरा नाम महावीर सिंह है। आप BJP प्रसन्न अध्यक्ष हैं या पंचायत अध्यक्ष? पंचायत अध्यक्ष हैं BJP के। जी, आप BJP के यहाँ से वोट दिलवाए होंगे? जी, 2 बार वोट। जी जी, इस बार लोगों के बीच क्या उम्मीदें लेकर वोट मांगेंगे? विकास का काम हुआ है तो जो विकास वाला हम लोग बात करेंगे, राशन फ्री मिल रहा है, रोड बना, शौचालय मिला, इंदिरा आवास मिला, आयुष्मान कार्ड बना, गैस कनेक्शन मिला, घर घर गैस वाला कनेक्शन हो गया उज्ज्वला से, जो कि 1 पैसा नहीं लगता था कनेक्शन में, 1 पैसा नहीं। नया उम्मीदें क्या है? तो पहले वाली उम्मीद रखा गया कि गैस सिलेंडर लोगों को दिया जाएगा, स्मार्ट कार्ड किया, इस बार आप क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? मुद्दा लेकर वही लोग विकास वाला बात कर रहे हैं, और कौन सी कर रहे हैं? जी, विकास और विकास होगा। आपका है कि राशन हम लोग दे रहे हैं जी, स्मार्ट कार्ड बनाए जी, रोड बनाए, शौचालय मिला, गैस सिलेंडर मिला। आप ये भी जानते होंगे कि अमृत सरोवर बन रहा है। आप एक पंचायत अध्यक्ष है, BJP के यहाँ से 10 बार चुनाव जीताए हैं जी। आप ये भी जानते होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी जी, गैस सब हो गया था, गैस के सिलेंडर का दाम 400 रुपया था। अच्छा, आज 1200 रुपया हो गया है, कहेंगे इसलिए कि महंगाई सब चीज़ है। आप पहले जो कह रहे थे उस समय 200 रुपया मजदूरी था, आज 500 रुपया मजदूरी है। किनको 500 रुपया मजदूरी देते हैं आप? लेबर को देते सरकारी हैं। सरकारी रेट क्या है? सरकारी तो 250 है, कमी है। कहाँ मजदूरी बढ़ा है? कहाँ बढ़ा है सरकार में? कहाँ मजदूरी सरकार बढ़ा है? सरकार कहाँ बढ़ाया है? अभी आप बोले कि अभी आप सरकार बोले ना नहीं बढ़ाया बढ़ा है, सरकार कहाँ बढ़ाया है? सरकार क्यों बढ़ाई, क्या बढ़ाई है? सरकार नहीं बढ़ाया है। हाँ, तब कैसे आप लोगों के बीच कहेंगे कि रोजगार दिए हैं हम? रोजगार तो हुआ है, रोजगार करने वाला कोई है ही नहीं है। तो स्मार्ट कार्ड की आप बात सब कह रहे थे, खाली महंगाई है, प्याज रुपए में ही नहीं कीजिएगा, प्याज कोनो गांव में लोग किए नहीं रहा है। अच्छा। तो आएगा विदेश ले आएगा, आलू आएगा विदेश ले आएगा। अभी आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर आइए, आप प्याज और लहसुन या आलू पर मत जाइए, उस पर भी हम जाएंगे, उस पर भी हम जाएंगे। पहले आप इस पर आइए। आपने जिस समय सरकार बनाने की जो कोशिश की थी, उस समय आपने बोला था कि कांग्रेस सरकार में महंगाई है और इस महंगाई को हम कम करेंगे, और महंगाई कम ना करके आप 1200 कर दिए, उसको लेके क्या कहेंगे? महंगाई आज के हिसाब से कोई नहीं महंगाई है, आज के पहले से सब चीज़ महंगा है, तो महंगाई कहाँ है?
तो आप कहते हैं कि महंगाई हम कम करेंगे, जब अभी आप पहले चुनाव जी आए होंगे, लोगों के बीच कहे होंगे, तो क्या उम्मीद परसेंट जो महंगाई होबे करेगा, पैदा होबे नहीं करेगा तो महंगाई होबे करेगा, महंगाई होगा ना, हाँ महंगाई तो होबे करेगा। तो महंगाई कौन बढ़ा रहा है? महंगाई नहीं, महंगाई कौन बढ़ा रहे हैं? हम लोग बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहे? हम लोग बढ़ा रहे हैं। हम लोग मने क्या? सरकार का, हम लोग सरकार बढ़ा रही है ना, सरकार नहीं बढ़ा रही, हम लोग बढ़ा रहे हैं। हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं? प्याज का सब कुछ अथु कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो उसे महंगाई बढ़वे नहीं करेगा, रेट लगबे करेगा। क्या रेट है सरकार में इस बार? क्या चीज का? किसानों के लिए खाद कितना रेट में मिल रहा है? पहले क्या रेट में मिल रहा था? 1200 का मिलता है, 1300 का मिलता है। पहले क्या रेट में मिल रहा था? पहले कम में मिलता था, 1000 का मिलता है, 800 का मिलता है, 300 रुपया का मिलता था पहले। तो किसान कहाँ से खेती करेगा? बढ़वे नहीं करेगा। किसान कहाँ से खेती करेगा? किसान तो लाचार होकर खेती कर ये रहा है, लाचार होकर कर रहा है। हाँ, लाचार होकर। सरकार की लाचारी है लाचारी। किसानों को तंग करना? किसानों को तंग करना है, वो लाचार थोड़ी कर रहे हैं किसान का। किसान जो है, मान लीजिए कि कह दे कि 100 रुपए किलो हम धान बेचेंगे, अब गरीब आदमी खरीदने तैयार है, गरीब आदमी नहीं मरेगा 100 रुपए होगा तो ज्यादा। अभी आप धान के प्रोसेस में आए? हाँ, तो धान कैसे लिया गया किसानों का? धान 20 रुपए लिया गया, 21 रुपए लिया गया। क्या 20 रुपए किलो? खेती करते हैं आप? हाँ हाँ करते हैं। खेती करते हैं? कितना एकड़ में खेती करते हैं? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में जी। कितना उसका लागत खर्च आता होगा? लागत तो बहुत लगता है, उसका हिसाब तो थोड़ी मिल रहा है। उसके हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, पानी मार देता है, बाढ़ मार देता है, सुखाड़ हो जा रहा है, कहाँ मिल रहा है? पूंजी लगाते हैं? हाँ, पूंजी लगाते हैं, उसके बाद नुकसान होता है? नुकसान तो हो भी करेगा हमेशा। किसका भरपाई हो करेंगे? कौन भरपाई? सरकार करेगा। पिए खाते शराब आ जाता है, उभर का सरकार करी, सरकार मिल रही है। पिए खाते आ जाता है, फुल पैंट या कुर्ता आ जाता है, गरीब बनी। दारू बिक रहा है का? दारू मिल रहा है? मिल नहीं रहा है। कहाँ मिल रहा है? कितना चाहिए? कहाँ मिल रहा है बोलिए ना, कितना चाहिए? दारू बिक रहा है? सगरे बिक रहा है, सगरे। आप फोन करके बढ़वा दिए दारू के? कौन नीतीश सरकार कह रही है कि दारू बंद है? वाला बोल ले, नीतीश सरकार कह रही है कि दारू बंद है? सरकार कह न रहा है कि बंद है, अब बेचने वाला चुरा कर बेच रहा है। प्रशासन भी कह रही है कि दारू बंद है, चुरा कर बेच रहा है, तो पकड़ाता है तो जाता है। मैंने दारू बिक रहा है? दारू चोरी का बेचता ना है जी, लोग है ना। हाँ, कहने की बेचता है? बीजेपी सरकार है, बीजेपी बेचता है, करे के संगठन में है, राजद के, बीजेपी के, नीतीश सरकार के संगठन में है बीजेपी। पार्टी के कहे कहते कि पार्टी बेचता है? अरे पार्टी सरकार कहता है कि बीजेपी बेचता है, सहयोग में है ना जी, जदयू के कब्जी के सहयोग में है, नीतीश सरकार के सहयोग में है ना। दारू बेचो कह रहा है कि पीकर बम बम नहीं, वो नहीं, हम वो कहने का मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि दारू बिक रहा है, हम कह रहे हैं सरकार तो उसको मना करता है, पकड़ता है, 5000 लगा दिया, हो गया। तो सरकार थोड़ी चाहता है कि दारू मैंने बेचो। अच्छा, क्या लग रहा है? महंगाई है ना, महंगाई है सरकार में ना है? महंगाई तो है ही है, महंगाई महंगाई है ना, महंगाई है और महंगाई होबे करेगा, महंगाई होगा। हाँ, महंगाई तो कैसे इसको सरकार बनाया जाए, लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, झेल लेंगे या इनसे महंगाई का भरपाई करेंगे? हम लोग महंगाई भेल गए, महंगाई झेलेंगे, गरीबों को भी झेलाइएगा, सबके झेलेंगे। बीजेपी सरकार तो कैसे बनेगी? बनेगी ना, देखते रहिएगा। किस आधार पर? किस आधार पर देखते रहिए, किस आधार पर बनेगा आप देखिएगा ना, किस आधार पर बनेगा देखिएगा। चोरी करिएगा? चोरी कहेंगे करेंगे? सबके सहमत है ये है तो चोरी करना क्या है? चोरी से हो जा, महंगाई के तो 100% आदमी हमारा महंगाई के लिए 100% नरेंद्र मोदी के लोग तो खिलाफ कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं, खिलाफ करने दीजिए, खिलाफ कर रहे हैं तो खिलाफ तो सब कोई कर रहा है। इतना 70 वर्ष ले कहें ना खिलाफ कर रहा था, नहीं हो रहा था 70 वर्ष में, महंगाई नहीं था, प्याज कैसे अनार हो गई है? वही वही अनार, वही, हाँ, तो ओगरी तेल कैसे हो गई रहे उतना महंगा? वही अनार का, वही अनार का बीजेपी कह रही थी कि 10 वर्ष ले, बीजेपी महंगाई कह रही थी कि बहुत महंगा है, आज उससे भी ज्यादा महंगा है। हाँ, तो महंगा तो होबे कर भाई, पैदा होबे ना करी, कोई हाथ गोड़ चुपचाप बैठे बाकी दूर लगबे न करू, तो महंगाई होबे ना करी। खेती करे वाला कोई है ही नहीं के, खेती कर आदमी किसान को जो कह रहे हैं ना, किसान कहाँ रह गया? किसान सब अपना जिसका 10 बीघा खेत है वो जाकर बटैया दे दिया, होने मनी पर दिया, किसान कहाँ कर रहा है? किसान क्या कौन 20 बीघा खेती कर रहे हैं? किसान दिया, ये महंगाई हो रहा है, नहीं सफर रहा है, सब महंगाई के चलते दे रहा है। हाँ, महंगाई के चलते दे रहा है। देखिए, महावीर जी नाम है, देखिए महावीर जी हैं जो शिवसागर ब्लॉक के बीजेपी अध्यक्ष हैं, और इन्होंने स्पष्ट तरह से, जिस तरह से इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार जो है कि इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप देख भी रहे हैं, लोगों से भी सुन रहे हैं कि महंगाई
है या नहीं है, लेकिन आज स्पष्ट कहा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा कि रोहतास हो या पूरे भारत में महंगाई जोरों पर है और महंगाई जिस तरह से चरम सीमा पर है, उसके बाद भी इन्होंने लोगों के बीच कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन अपने मुख से कह रहे हैं कि महंगाई है। मैं शिवसागर से बीजेपी कार्यालय से पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है। बता दें कि हमेशा अपनी कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा इस बार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी शिकायत जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं कलेक्टर प्रवीण को की गई है। जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम संबोधित एक पत्र कलेक्टर कार्यालय सीहोर पहुंचकर सौंपा। पत्र के माध्यम से पंकज शर्मा ने बताया कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी धार्मिक कथाओं में पार्टी विशेष और एक नेता का नाम लेकर वोट देने की अपील करने तथा पार्टी विशेष के नेताओं को बुलाकर धर्म की राजनीतिकरण करने का मामला सामने आया है, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हुए आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज शर्मा ने आरोप लगाया है कि सभी देशवासियों को वोट डालने की अपील करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने स्वयं वोट नहीं डालकर लोकतंत्र का अपमान किया है। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने आगे और क्या कुछ कहा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा पे आपने आरोप लगाए, वो किस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आरोप नहीं, सच्चाई है। देखिए, आज मेरी उंगली पे ये स्याही लगी हुई है। ये स्याही इस बात का प्रतीक है कि मैंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति मैंने डाली है। और जो लोग आज सनातन को बचाने के लिए वोट डालने की अपील कर रहे हैं, ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने चुनाव में इसमें वोट नहीं डाला है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, 97 करोड़ वोटर हैं हमारे यहाँ, उस चुनाव में आपने वोट नहीं डाला और आप अपील कर रहे हो कि बैस गादी बैठ के कि भैया वोट दो, सनातन के लिए वोट दो। आपने दिए सनातन के लिए वोट, फिर आपके साथ अपील कर रहे हैं, बताइए मुझे। दूसरी चीज़, इन्होंने उस कथा में परतवाड़ा में 6 मई से 12 मई तक जो हुई थी उनकी, उसमें पहले दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी जी ने बहुत मेहनत करी है, सनातन के नाम पर वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नाम लिया, इसके लिए हमने आचार संहिता की एक शिकायत करी है इनके खिलाफ। ये कोई आरोप नहीं, सच्चाई है। और मेरा माननीय चुनाव आयोग से स्पष्ट निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी कथाओं पर 2 साल के लिए रोक लगाई जाए। साथ ही साथ इनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस मामले में। और उसी कथा में अंतिम दिन 12 तारीख को सांसद नवनीत राणा आई, उन्होंने जहरीला भाषण दिया, भड़का भाषण दिया, तो प्रदीप मिश्रा की आदत बन चुकी है। ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा शुरू से ऐसा करते रहे हैं कि धर्म के नाम पर ही एक पार्टी विशेष का प्रचार करते रहे हैं और इनकी लोकतंत्र संविधान में कोई आस्था नहीं है। ये संविधान बदलने की बात करते हैं, जो राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी, आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको जो पावर दी है ना, वो भी संविधान की बदौलत है। आज तो आप भी कुछ नहीं कर सकते थे इस देश में अगर संविधान लागू नहीं होता तो। इसलिए मेरी अपील है चुनाव आयोग से कि सांसद नवनीत राणा और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए, नवनीत राणा का नामांकन रद्द हो और प्रदीप मिश्रा की कथाओं पर 2 साल के लिए रोक लगे और इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए चुनाव आयोग विवश करे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता प्रेम राय की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।